नमस्कार। बुद्ध मार्ग पटना के हिंदुस्तान का कार्यालय में आज अलग अलग कॉलोनियों और रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए लोग यहां पे आए हैं। मच्छर को टक्कर हिंदुस्तान संवाद में सब लोगों ने अपनी राय साझा की है। कई सारे इलाकों के लोग हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हमारे साथ हैं मनोज कुमार अग्रवाल, ये माँ सांभवी अपार्टमेंट राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं। हम इनसे जान रहे हैं कि मच्छर को टक्कर आप इस समस्या को कैसे देखते हैं। मच्छर को टक्कर के लिए सबसे पहले हम अपने पटना नगर निगम की से अपना सुझाव देना चाहेंगे। उन्होंने जो भी कार्यक्रम अपना चला रहे हैं मच्छर के लिए, वो सुचारू रूप से चलाएं और नियमित रूप से चलाएं। ऐसा ना हो कि वो आज चलाएं फिर दो महीने के बाद, जैसा सब लोगों ने बताया, कहीं कहीं आज हो रहा है तो दो महीने बाद छिड़काव हो रहा है दवा का। ये ऐसा ना होना चाहिए। छिड़काव लगातार करने की बात कर रहे हैं। ये मनीष कुमार बनेटिया हैं, ये नवल आश्रम अपार्टमेंट है कदम कुआं इलाके में, वहाँ से ये आते हैं। मनीष जी, आप किस तरीके की परेशानी झेलते हैं? हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो फॉगिंग कर रही है वो एक महीने में एक बार या कभी ज़्यादा बीमारी अगर आ रही है उस समय करते हैं। इसको लगातार करने की ज़रूरत है और सामाजिक संगठनों को भी साथ में लेकर के अवेयरनेस का कार्यक्रम करें। हम लोग अपने घर आसपास कुछ 4-5-10 लोग मिल करके भी सफाई कर सकते हैं। सरकार से तो उम्मीद है ही, पर हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इसमें हम लोग साथ दें सरकार का। जी, सरकार को हम लोग भी साथ दें। ये फुलवारी शरीफ के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी से ही आते हैं, सरफराज जी हैं ये। आज तक तो हमारे मोहल्ला में छिड़काव हुआ ही नहीं है। ये देखिए, डोर टू डोर कचरा रोज साफ होने के लिए लॉरी आता है, रोज का रोज छिड़काव आपने नहीं देखा जी? ना, कॉलोनी में कितने घर होंगे? कम से कम 500 घर है। वीर कुंवर सिंह कॉलोनी है, आर के नगर कॉलोनी है, बिरला कॉलोनी है, मिल्लत कॉलोनी है, मौलाना आजाद नगर कॉलोनी, हम तो नहीं देखे। इन्होंने कभी छिड़काव देखा ही नहीं है। ये देखिए, ये राज अलग सिंह हैं, ये भूतनाथ रोड से हैं। क्या आप देखते हैं, बताइए। छिड़काव तो हो रहा है लेकिन उसका टाइमिंग गलत है। वो शाम के वक्त में होना चाहिए जिससे कि उसका असर दिखेगा। अच्छा, छिड़काव शाम के वक्त होना चाहिए, उसकी टाइमिंग देखनी चाहिए। ये पेशे से बिल्डर हैं शहर के, सुशील कुमार सिंह जी हैं ये। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके को देख रहे हैं ये जो मच्छर की जो समस्या है शहर में, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की जो फैल रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये जो है, सब लोगों ने जैसा बोला कि नगर निगम के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो छिड़काव किया जा रहा है, वो नियमित रूप से नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण है कि बोरिंग रोड में हम लोग रहते हैं और आज के डेट में हमारे बगल वाले फ्लैटियर में फैमिली में 4 लोग हैं जिनमें 3 लोगों को डेंगू हो रखा है। तो ये नियमित छिड़काव होना चाहिए और दूसरी कि हम लोग के अंदर अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अपनी सोसाइटी को हम लोग खुद भी अवेयर करें कि अपनी कचड़े को एटलीस्ट बाहर कर दें जी, खुद में वो सुझाव भी हो। ये ओझा साहब हैं, क्या नाम लिखते हैं अपना पूरा? संदीप ओझा। ये संदीप ओझा जी हैं, सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, गैर सरकारी संगठन ये चलाते हैं। आप किस इसको कैसे देखते हैं, इस मच्छर की समस्या को? मुझे लग रहा है कि सरकार तो कुछ काम कर रही है, फॉगिंग हो रहा है, लेकिन फॉगिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए। जिन इलाकों में ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ और भी ज़्यादा गहन तरीके से फॉगिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में हम नागरिकों और हम लोगों की भी ये उत्तरदायित्व होती है कि अपने घरों को खुद से साफ करें और कचरा और पानी का जल जमाव जहाँ पर है उसके ऊपर भी हम लोग सफाई पर ध्यान दें जी। खुद की जिम्मेवारी की भी बात कर रहे हैं। कदम कुआं इलाके से ये प्रमोद कुमार बर्णवाल साहब हैं, दीप लीला अपार्टमेंट की जो वेलफेयर सोसाइटी है उससे ये ताल्लुकात रखते हैं। आप कैसे देखते हैं? हमें ऐसा लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हम अपने मोहल्ले में या फिर जो भी सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं उन्हें भी लोगों को जागृत करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी गंदगी को, जल जमाव की जो स्थिति है उससे निजात मिल सके और साथ हम सरकार की जो सुविधा मिल रही है उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके जी। ये सरकार के साथ में मिलने की बात, हिंदुस्तान के इस संवाद में विभिन्न रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी से ये लोग पहुंचे हैं, सबके अलग अलग ये सुझाव आए हैं जिसको कल के अखबार में वो प्रकाशित करेंगे। हिंदुस्तानलाइव.कॉम के लिए अपने साथी रोहित नारायण, अपने फोटो जर्नलिस्ट साथी अंशु कुमार के साथ मैं रविशंकर सिंह।